pleasant morning. I want to do all. Cheers. Coffee, obviously. But to be honest. Bolna padta hai. अभी कुछ टाइम से नया जिम ज्वाइन कर लिया मैंने. आई नो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द जिम. क्या करें, ऑप्शन नहीं. जहाँ पे इनकन्वीनियंस होती है उन चीज़ों को तुरंत छोड़ देना ही अच्छा होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी सीखी है कुछ टाइम पहले. आई लर्न जहाँ पे भी आपका मेंटल पीस अगर अंग हो रहा हो और जा रहा हो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, सो उस जगह को तुरंत छोड़ देना ही अच्छा होता है. वेट करके देखना कि शायद कुछ सुधरेगा या शायद कुछ ठीक हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता. You need to change the space, you need to move on quickly as soon as you can for your mental peace. So, you have to do that. आपके पीस ऑफ माइंड के लिए आपको काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है. हो सके तो उस शहर को ही छोड़ दो अगर आपको तकलीफ हो रही है. बट उस जगह पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट पर ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं कभी. जस्ट मूव ऑन क्विकली. तो ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होता है. एट द एंड आपको लगता है कि आप वेट करते हैं कि शायद ठीक हो जाएंगी चीज़ें, ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो रियलिटी में कभी होता नहीं है. आप वेट ही करते रह जाते हो, आप सहते ही रह जाते हो, आप मेंटल पीस थकिया उड़ जाती है. लेकिन वो सिचुएशन नहीं सुधरती, ना वो एनवायरमेंट सुधरता और ना वो लोग चेंज होते हैं. कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि सामने वाला चेंज हो जाएगा. जब उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कभी नहीं होता. यू हैव टू टेक अ स्टैंड और यू हैव टू लीव. ओनली टू ऑप्शंस. नेवर शाय अवे फ्रॉम एनी ऑफ दीज. हर एक चीज़ को छोड़ो. That you have, I don't know why. एक दो पेंटर का समझ में आता है, पांच पांच पेंटर फ्लिक आउट हो जाते हैं. तो इससे अच्छा तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड से ही पेंट करवा दूँ, वो तो भी कम फ्लिक करेंगे. बट टुडेज पेंटर तो फ्लिक इवन मोर. ये है मानकापुर स्टेडियम. यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, बॉक्सिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, सारी चीज़ें होती है. यहाँ पे देख सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स है नागपुर का. इट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट. बिगेस्ट स्टेडियम नागपुर. काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते थे ऑलरेडी. भाई है क्या कोई यहाँ पे कमिटी में कोई बात? ऑफिस ना वहीं पे है क्या? ये देख सकते हैं इंडोर स्टेडियम भी है यहाँ पे मानकापुर. यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए काफ़ी फेमस, काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं यहाँ पे. सो थोड़ी बिग स्टेडियम है नागपुर. यहाँ से सीढ़ियाँ है ऊपर जाने, कमेटी में चल के देखते हैं. बैडमिंटन हॉल भी है. इंक्वायरी के लिए कहाँ से? बचपन में ऐसा लगता था कितना दूर है ये, पर अभी ब्रिज नया बन गया है, फ्लाईओवर साहब डायरेक्ट मेरी एरिया से इस एरिया में 10-15 मिनट में आप इजीली पहुंच सकते हैं. तो पहले ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता 10-15 किलोमीटर कवर करने के लिए.
फंक्शन चल रहा है, लोकमत, लोकमत का कोई तो फंक्शन। इंक्वायरी इधर ही है हॉल, मतलब स्पोर्ट्स की इंक्वायरी। स्पोर्ट्स का पता नहीं, अभी तो प्रोग्राम ही आता है। कौन सा सुरजोशना अवार्ड है? किस चीज़ का अवार्ड? सुरजोशना अवार्ड। सुरजोशना ऑफिस कहाँ पे? आईडी नहीं दिया। पूरा शान दिख रहा है, ऑफिस बंद है शायद। गेट से हर एक कॉर्नर में यहाँ पे एक अवार्ड शो है अभी कुछ टाइम में, सो उसी की तैयारी चल रही है। आप अवार्ड फंक्शन का पूरा सेटअप लगा हुआ है। बॉक्सिंग रिंग बनी है यहाँ पर, बता रहा था जैसे कि बॉक्सिंग के भी मैचेस होते हैं यहाँ पर। सो ये रहे यहाँ पे रिंग, आई डोंट नो कितनी यूज़ में है। ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स के जो है यहाँ पे सारा सेटअप रखा हुआ है। बॉक्सिंग का है यहाँ पे, बास्केटबॉल की एक रिंग भी रखी है अगर आपको दिख रही होगी तो, वो साइड में बॉक्सिंग का ये स्टेज है। यहाँ पे एक बास्केटबॉल की रिंग भी रखी है, सेटअप भी रखा हुआ, मैटिंग्स है यहाँ पे। और कितना बड़ा डोम है आप देख सकते हो, कितना बड़ा। लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा थोड़ा सा। बड़ा ऑडिटोरियम, मुंबई से बड़ा सेटअप है। लोकमत स्पॉन्सर्ड है, लोकमत टाइम्स के अवार्ड्स, सुरजोत्सना अवार्ड करके नाम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग भी हो रखी है, सुरजोत्सना अवार्ड। स्पोर्ट्स प्लेयर्स को बेसिकली डेडिकेटेड अवार्ड्स होने वाले हैं परफॉर्म यहाँ पे। बड़ा सेटअप। तो गाइस यहाँ पीछे में क्रिकेट एकेडमी भी है देख सकते हैं आप कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। पीछे में क्रिकेट की एकेडमी भी है, पीछे में पूरा एक पिच लगा हुआ है। आई एम नॉट श्योर आपको कितना इजीली या क्लोजली दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ। S22 का जूम, S23 अल्ट्रा का जूम, ऐसे मौकों पे टेस्ट करने में आता है। अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे प्लेयर्स,
क्रिकेट खेल रहे हैं, पिच बनी हुई है वहाँ पे, यहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही है। तो जस्ट 5x9x पे जूम रखा है मैंने, और अगर मैं जूम करता हूँ तो शायद आपको दिख सकता है, ऑलमोस्ट बाइनोकुलर्स जैसा जूम है इसका, किसी की भी स्पाइंग कर सकते हो आप इसके थ्रू। वर्ल्ड शो की तैयारी चल रही है, पीछे क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस हो रही है। इट्स प्रीटी बिग पिच एंड अ बिग स्टेडियम इट इज, देख सकते हो आप, गेट नंबर 4 है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे यहाँ से, यहाँ पे आया करता था मैं यहाँ पे बचपन में। अब लगता है कि काश कोई स्पोर्ट खेल लिया होता ढंग से, आज कुछ हो जाता, स्पोर्ट्स नहीं खेला तब ध्यान दिया होता। ठीक है, रिग्रेट करने से क्या है, तमन्ना तो पूरी आज भी कर ही सकते। सो गाइस, अभी वापस आ चुका हूँ घर पे, और काफ़ी धूप थी बाहर, सो काफ़ी सालों बाद उस स्टेडियम को विजिट करना हो गया, सो इट वॉज़ अ गुड विजिट, अच्छा लगा। इतने सालों बाद स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देख के एक वो जो फील होता है, एक जो ग्राउंड पे होने का, पिच पे होने का जो एक फील होता है, काफ़ी उस एनवायरनमेंट को मिस कर रहा था मैं। लास्ट टाइम जब इंडिया का वर्ल्ड कप था, सो लास्ट टाइम ये वाला नहीं, इसके पिछले के पिछले वाला, सो दैट टाइम मैं आखिरी में स्टेडियम गया था फॉर बिग इवेंट और अ टूर्नामेंट। सो आज वापस से वो माहौल देखने मिला, काफ़ी टाइम से किसी का मैं कॉन्सर्ट या कुछ देखने नहीं गया, उस वो भी काफ़ी टाइम बाद देखना हुआ। सो इट वॉज अ फन थिंग टू हैव एक्सपीरियंस आफ्टर सो मच ऑफ टाइम। सो स्टेडियम काफ़ी बदल चुका है और काफ़ी ओपन स्पेस भी है, और मुझे तो ये फन फैक्ट मालूम ही नहीं थी कि वहाँ पे एक इतना बड़ा क्रिकेट का पिच भी है, इतना बड़ा स्टेडियम है। प्रैक्टिस का पिच तो है ही ऑलरेडी, और स्टेडियम भी है, बट उसके अलावा एक और दे हैव अ बिग ग्राउंड देयर। सो वहाँ पे स्टेडियम में तो चीज़ें होती ही है, स्पोर्ट्स तो होता ही है, ऑल काइंड ऑफ इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स तो होते ही है, बैडमिंटन, फुटबॉल, देन क्रिकेट, देन उसके बाद बास्केटबॉल, सो ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। एक्चुअली एक मेगा कॉम्प्लेक्स है वो, सो मानकापुर स्टेडियम जिसको नागपुर में हम लोग बोलते हैं। सो काफ़ी बदल चुका है, एंड वो हाँ जो मैं पिच के बारे में बात कर रहा था, सो आई डिडंट नो इट एग्जिस्टेड ऑल्सो, कि इतना बड़ा पिच भी है वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द स्टेडियम एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर स्पोर्ट्स। सो या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और इसके अलावा एक मेरा शेड जो है मैं आपको दिखाने वाला था, यहाँ पे मेरा शेड भी लग चुका है, सो आई डोंट थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बट ये चेंजेस किए मैंने यहाँ पे। सो गाइज, आई होप ये आपको स्टेडियम का छोटा सा एक जो टूर था वो पसंद आया होगा, और मैं इस ब्लॉग को अब यही पेंट करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अंटिल देन यू गाइज कीप वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।